प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ठान लिया है कि वाकई में उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश बना करके मानेगी। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 महीनों का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगातार कहीं लोकार्पण किया जा रहा है, कहीं शिलान्यास किया जा रहा है, तो कहीं उद्घाटन किए जा रहे हैं। आखिर उसका फ़ायदा क्या जनता को सीधे मिलेगा या नहीं? सीधे जनता के बीच चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि अलीगढ़ के लोगों का क्या मानना है, क्योंकि अगर 2-3 महीने पहले भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 बड़ी सौगातें दी गई थी। एक यूनिवर्सिटी के लेकर के बोला गया था और डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के भी बोला गया था कि बड़ी सौगातों का जो है शुभारम्भ किया गया था। जनता हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल चलने क्या वाला है। और उधर कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण करने वाले हैं। सीधे जनता के बीच चलते हैं, कैसे देखते हैं सर कल काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण होने वाला है, इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या मन में चल रहा है आप लोगों को? ये लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन चुनाव से पहले ही क्यों, 4.5 साल गुजर गए, उतने साल में क्या काम किया उसका भी ध्यान दे लीजिए। किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, कोरोना काल में जितने भी जो लोग थे, मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उनके लिए क्या कर दिया? जिस तरह से आज देश किस स्थिति में है, एक साल से किसान बैठा था और वो जब मानी गई मांगे, जब भाजपा को दिख गया कि हम हार की तरफ पहुंच चुके हैं और उनकी बुरी हार थी प्रदेश के अंदर, 5 प्रदेशों में इन्होंने सर्वे कराए, अपने गुप्त सर्वे करा करके जब इन्हें एहसास हुआ कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं तो नतमस्तक तब किसानों के लिए हुए। जिस तरह से ये किसानों को कभी मवाली कहा, कभी परजीवी कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा, कभी इन्होंने डकैत कहा, इतने शब्दों से नवाजा हमको, किसानों को, पूरे वर्ग को, तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि भुगतना पड़ेगा? क्योंकि बताते हैं कि अगर हम अलीगढ़ की बात कर लिया जाए तो कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने यहाँ से 2 बड़ी सौगातें दी थी अलीगढ़ की। वो 11 बार की, हमें ये भी याद है कि 11 बार इतने साल में 11 बार परीक्षाएं रद्द हुई हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। वो एक ये पेपरों को तो रखा नहीं सकते, परीक्षा ठीक से करा नहीं सकते। जिस तरह से खुल्लम खुल्ला पेपर बेचे गए, विधायक के भाई के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते हैं और लीक हो जाते हैं, ये सब क्या है? अजय टेनी जो उसका जो कहता है, वो उसका 25 सितंबर में उसका आता है बयान कि मैं सांसद और विधायक ही नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, मंत्री नहीं हूँ, मेरा इतिहास पढ़ लीजिएगा। तो इतिहास क्या पढ़ाना चाहते थे? वो विधायक और मंत्री से और सांसद से बड़ा हो गया वो। तो किसानों वाला मुद्दा तो अब लगभग खत्म ही समझिए, क्योंकि कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया सरकार ने। तो क्या कितने दिन में वापस लिया? 1 साल 13 महीने में, करीब 12.5 महीने में वापस लिया ना। क्यों लिया फिर? जब तक ये बहुत अच्छे कानून थे तो क्यों वापस ले लिए गए? सब ये कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, बैठ के बात कर लीजिएगा, उस विषय पर बात मत करिएगा, बैठ और बाकी बात कर लीजिएगा। क्यों लिए वापस? अभी भी गुस्सा है भाई, क्या ऐसा क्या कर दिया इन्होंने वापस लेकर के? जो चीज हमारी लूट ली गई थी वही तो वापस की है, सौगात क्या दी है? काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण होने जा रहा है, सीधे बातचीत करते हैं, क्या नाम भाई साहब? खूबी सब कुछ बता सकते हैं क्या चल रहा है, बताइए तो सही कि लोकार्पण होने जा रहा है, क्या मन में चल रहा है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इतने काम कर रहे हैं ये, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और इसी काम चलते हुए, कामों का चलते हुए मोदी योगी सत्ता में आएंगे दोबारा से, बहुत तगड़ी तरह से आएंगे। हर घर में इनकी वोट है, हर घर में वोट है। कोई वोट तो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे, ये कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं देंगे, पर घर में वोट मोदी की है, एक दो वोट चली जाएगी निकल के कहीं, पर बाकी वोट का ये मानना है कि पश्चिमांचल से जो है भारतीय जनता पार्टी का तो खिसकती जा रही है इधर से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ज्यादा, पहले से भी ज्यादा उससे आ रही है पश्चिमांचल में भी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा तगड़ी तरह से आ रही है। घर में एक आदमी ये कहता है कि वोट नहीं देंगे, लेकिन जो घर के बाकी सदस्य वो मान ही नहीं रहे इन लोगों की वोट, वो भी जनता पार्टी को दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए कि सबसे अच्छी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किसका चला, मतलब सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसने मेंटेन करके रखा? योगी जी का चला सबसे अच्छा। जितनी पार्टियाँ आई सबसे अच्छा अब तक योगी जी का चला, और पूरे स्टेट मतलब भारत में उन्होंने मोदी जी का चला, जो पूरे विश्व में जान गए सब उनको। चलिए, तो माहौल क्या है इस बार का यहाँ से? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है अब के। पहले से भी अच्छा है। तो मान लीजिए पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र। सर एक बात बताइए कि अभी हम लोग जो है ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि इतना सब कुछ लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा रहे हैं, शिलान्यास की रखी जा रही है, न्यू रखी जा रही है, मन में क्या चल रहा है आप लोगों का? भैया बीजेपी वोट तो देंगे ही ना, और यही लास्ट है, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों? अरे किसान की हत्या सी मार दी भाई, और कह रहे हो किसान पे, बच्चा कोई नौकरी लगा नहीं,
जो भी नौकरी आई अखिलेश के घर हुआ। नहीं तो किसानों का तो खत्म हो गया ना, आप तो किसान घर भी चले गए। जब किसान बिल्कुल जान से मार दिया, जब खत्म कर दिया भैया जी, जब किसान जान से मार दिया तभी तो खत्म किया। लास्ट में सरकारी झुक गई, अब झुक गई, मना लिया किसानों को, घर भेज दिया। किसान की तो दम निकल गई और मोदी जी वहाँ बैठे हैं, सब कुछ कर दें। अब मानत रहो भाई, मानो तो तभी चाहिए हो ना। पहले राउंड पे ही नौकरी आज तक किसी बच्चे की लगी नहीं, भर्ती निकाल देते हैं बराबर डिसमिस, और आप ही आउट करवा दें। तो इस बार का मुद्दा क्या होगा, इस बार क्या सोच के जाएंगे? हमारे यहाँ बीजेपी नहीं निकलेगी। और उसका कारण अगर पूछा जाए तो क्या बोलना चाहेंगे? कारण ये ना तो कोई नौकरी मिली बच्चे को, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं भाई। अखिलेश के लगाए हुए सब लगे, इनकी एक भर्ती बता दो कौन सी सफल भाई, आज तक कोई भर्ती इनकी नहीं भाई। नहीं, वो तो डेटा देते हैं, कहते हैं कि 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। अब वो रोजगार अब मोहते भाई राजा हैं, वो कुछ भी कह दे उनके सामने कौन की हिम्मत है जो बोल जाए। अच्छा आप अलीगढ़ में हैं, हम भी अलीगढ़ में हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए थे, योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे। बिल्कुल आए, यहाँ तो दो बड़ी चीज़ों का सौगात देकर गए थे यहाँ से। यहाँ तो सौगात ही देवे, हमें खाली ले दिया, कोई कछु ना है। हाँ लेता देता कुछ नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है कि 10-15 किलोमीटर दूरी पे जो है आपका जेवर एयरपोर्ट का हो गया है। हाँ जेवर एयरपोर्ट तो मायावती को है, सबसे पहले हुई लाई यहाँ। हमें तो कायदम वोट मायावती देनी चाहिए। जमीन छीन ली किसी? चलिए हमारी जमीन छीन ली सब ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम है भाई आपका, युवा है? क्या नाम है? तरुण। नाम तरुण जी। तरुण जी बताइए, सरकार कैसी लगी? देखिए सरकार में बहुत सारी खामियां हैं, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे आ चुकी है, कोविड के तहत लाखों लोगों की नौकरी गई, उसके लिए सरकार कोई ठीक आंकड़ा देती नहीं है। पिछले 3 वर्ष से सरकार ने कितने किसानों ने आत्महत्या करी उस पर कोई आंकड़ा नहीं दिया है, खाली जुमले हैं, बातें हैं, धार्मिक बातें हैं। कोई भी चुनाव आता है उससे पहले धर्म की बातें उछल जाती हैं, जैसे अभी हरियाणा में मंदिर मस्जिद का फिर से उन्होंने मुद्दा उठा दिया है कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। इस तरीके की धार्मिक मुद्दे से ही सरकार हमेशा सत्ता में आती रही है, भले ही अभी आई हो या पहले आई हो। जो जो असली मुद्दे हैं, भले ही वो शिक्षा हो, अस्पताल हो, कोई और किसी भी तरीके का और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर ये बात करते नहीं हैं, खाली जुमलों पे सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी जो है मथुरा आए हुए थे माट विधानसभा में, उन्होंने कहा है कि पिछली जो सरकारें रही हैं वो मस्जिदों के जो है बाउंड्री बनाने में पैसे खर्च करती थी, हमारी जो सरकार रही है वो लोगों के तीर्थस्थलों में पैसा खर्च करने में। देखिए भारत एक सेकुलर स्टेट है, हमारा संविधान बोलता है कि हम एक सेकुलर स्टेट हैं। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, उस पर खर्चा करना सरकार का काम नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बोलते हैं कि इन्होंने मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया। राम मंदिर का जो जजमेंट आया है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के तहत आया है, इस सरकार का तो उसमें कोई रोल नहीं है। बात रही मंदिर मस्जिद की, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है शिक्षा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों को कैसे उन ये सरकार सबसे पहले जब सरकार में अस्पताल वगैरह भी खोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि अस्पताल वगैरह का भी जो है पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है। देखिए किसी एक सरकार की बात ना करते हुए, इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें एम्स करीब 6 से 7 एम्स बने, इस सरकार में कितने बने उनका ये आंकड़ा नहीं देते हैं। ये पुराने एम्स का ही रेनोवेशन कुछ कराते हैं, कुछ नए अस्पताल बनाते हैं, उनसे बोलते हैं ये इन्होंने खुद बनाया है। ये सरकार खाली जुमलों की सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिन वादों के ऊपर केंद्र जो सरकार बना के आई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, और भी बहुत वादे थे, खैर 15 लाख रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो किसी भी वादों पे खरी नहीं उतरती है। युवाओं के मन में क्या है? देखिए ग्रामीण युवा की अगर मैं बात करूँ तो वो जो अभी पिछले 14 महीने से जैसे हमारे जो बाप दादा वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे रहे, उन्होंने ठंड सही, गर्मी सही, बारिश सही, ओले सहे, पारा सहा, पर उनको जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, उनकी बेइज्जती हुई है वहाँ पर, सौइयों किसानों ने अपनी शहादत दी है, उसकी वजह से यहाँ का जो ग्रामीण नौजवान है वो उनसे बहुत रूठा हुआ है, सरकार को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है, और जो युवा है वो इस वाले आगामी चुनाव में उत्तर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा अच्छा आता हूँ, चाचा आपके पास मैं आता हूँ। अच्छा और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अच्छा केशव प्रसाद मौर्य जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अगर 100 का आंकड़ा निकाला जाए तो उसमें से जो है 40% हमारा है और 60% हमारा है और 40 में बंटवारा है और उस बंटवारे में भी हमारा है, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी रणनीति। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का मुद्दा उठा दिया उन्होंने,
ये उनका काम नहीं है। मथुरा का मतलब उठाना अयोध्या की बारी विकास मथुरा का नंबर है, ठीक है। इस तरह से सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। जो युवा हैं वो सब जाग चुके हैं। अब तक जो सरकार है, ये भैया जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे कि जो जब सरकार का टाइम होता है ना आने का, तो हिंदू मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काना ये इनका काम रहा है अब तक, ठीक है। इस तरह से सरकार नहीं आ सकती। एक बार आ सकती है, दो बार आ सकती है, लेकिन बार बार नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, कुछ काम हुए हैं। मैं बात करूँ अगर रोड की, मैं गडकरी जी की बात करूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रोडों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करी उन्होंने, ये बात माननी पड़ेगी, सभी को माननी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को। जो ग्रामीण एरिया है बहुत दुखी है भाई साहब, सबसे ज़्यादा दुखी ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया में क्या समस्याएं हैं? बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। अभी इन्होंने 3 बिल माफ़ करें, ठीक है, वापस लिए, लेकिन MSP कोई कमेटी नहीं बनी अभी। अभी कोई उसका कोई पता ही नहीं है कब क्या पलट जाए। उस पे तो अभी बात लिखित में भी नहीं दिया, एक लेटर दिया है, उसको कब वापस लेना कोई भरोसा नहीं इनका, ठीक है कि नहीं। तो MSP तो पिछली सरकारों ने भी नहीं दिया था, तो इनको लागू तो करना चाहिए। स्वामी आनंद वाली जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन, हाँ स्वामीनाथन वाली रिपोर्ट, वो करनी चाहिए। तो गांव में इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि करीब जो है कई लाख लोगों को जो है छत नहीं था, छत देने का काम किया है, तो ये चीज़ें भी लगातार अभी आगे भी जारी रहेगा, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिजली का बिल सर कितना आ रहा है? बिजली का अगर नॉर्मल हम बात करें ना, 700 से 800 रुपये आ रहा है नॉर्मल बिजली का बिल, मात्र पंखा चलने पर। किसकी देन है वो? भाजपा सरकार की देन है। पेट्रोल देख लो आप, पेट्रोल देख लीजिए, हम लोगों को क्या चाहिए? बिजली, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, यही आसमान छू रही हैं, और हमें क्या चाहिए बताइए? यही चीज़ होती है, गैस देख लीजिए आप। अच्छा, मोदी जी जो है कल काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं, कैसा माहौल है? कब मिलेगा ये लोकार्पण? आज वो कब मिलेगा? जो सपा सरकार ने काम किए थे उनका ही तो कर रहे हैं सर, ये उन्हीं का ही हो रहा है लोकार्पण, ना कि खुद बना के कर रहे हैं। कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे बनने में, तब जाके पब्लिक को प्रोवाइड होगा। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? भैया ये जो सरकार है इससे बढ़िया सरकार कोई ना आई आज तक, और ना कोई है ऐसी। सबसे बढ़िया सरकार है, सब तरह से बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार अभी तक हमने, हमारी करीब 50 साल उम्र हो गई है, अभी तक कोई ना सुनी ना देखी। आपकी 50 साल उम्र हो गई? हाँ हो गई है। और इससे बढ़िया काम भी नहीं कोई सरकार कर रही है जितना बढ़िया ये काम कर रही है। क्या क्या बढ़िया काम कर रही है बताएं? सारे ही काम, कोई ये घटिया बताएं कि ये वो है, डीजल का भी कोई वो नहीं है रेट, सब जिस हिसाब से तनख्वाह सबकी बढ़ा दी है उस हिसाब से डीजल बढ़ रहा है और ऊपर से आ रहा है। क्या खराब है आप बता दीजिए जी। इनसे ये पूछ लीजिएगा कि बढ़िया क्या, ये किसान नहीं है, खेती नहीं करते हैं, ये बिजनेस है इनका, यहाँ टप्पल के अंदर इनका बिजनेस चल रहा है। इनसे ये पूछ लीजिए खेती करते हैं क्या? इनके पास खेती जरूर है, पर ये खेती करते नहीं है, इसे किराए पर उठा देते हैं। जब ये खेती में काम ही नहीं करते तो इन्हें व्यापारी आदमी तो भाजपा की करेगा। इनसे ये पूछा जाए कि उनके 2 काम 4 काम 5 काम गिनवा दिया। कॉरिडोर की बात करूँ तो उस पर कॉरिडोर से किसान का क्या लेना देना है? कॉरिडोर पर किसान चलता है क्या? किसान चलता है मंडियों से, MSP से, उसके लाभकारी मूल्य से। अभी तो MSP की मांग करी थी हमने, लाभकारी मूल्य थोड़ी मांगा था। लाभकारी मूल्य जिस दिन मांगना शुरू करेंगे ना हम, तो बड़े आंदोलन करेंगे। अभी तो ये रिहर्सल था, एक ट्रेनिंग दी गई थी पूरे देश। का सवाल उनसे क्या है भाई? इन पे तो इनका तो कोई सवाल ही नहीं है, तो अंधभक्त है, इनसे मैं क्या सवाल कर सकता हूँ? अंधभक्त जो भाई, भक्तों को तो मैं कुछ कह सकता हूँ, और जो आँख बंद करके भक्ति कर रहे हैं उनसे मैं क्या कहूँ, उन्हें कैसे सुधारूँ? आप आँख बंद करके मतलब कुछ भी गिनवा रहे? कुछ भी नहीं। अगर बताएं कि कोई किसी भी गरीब को कभी भी वो नहीं मिलता था राशन, अरे आज तक याद आ गया, अब तो 2 गुना राशन मिलने वाला है। अरे 2 गुना नहीं, सारा सबको मिलता है, हर किसी भी उसमें चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। 2 गुना कब से? जब इलेक्शन आया तो 2 गुना देने लगे। क्या आवश्यकता है? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार इसे भीख में लाइन लगा दी, हर चीज की लाइन लगा दिया है, राशन के लिए लाइन है, हर चीज के लिए लाइन है, डीजल के। क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? ना मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। हां थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए चाचा, आगे तो आइए, आगे आदमी। धक्का मत दीजिए। हां मैं ये कह रहा हूँ, पहले राशन है खा जाए, अब राशन बांटने पर रो है, ये कह रहा हूँ बस। अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं अब दे रहे हैं राशन, पहले ना आए, पहले मिले ना हो, पहले राशन कहाँ मिलता था? अब तो कई गुणों कर दियो जी। हाँ, मिल रहा है, मिल लो बिल्कुल, हर हालत मिल लो, गरीब है मिल लो, पहले मिले ना हो गरीब। हाँ हाँ मैं बताऊँ, राशन ही चाहिए हमें, हमें चाहिए नौकरी, राशन ही चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, ये सब चीज़ें हमें, ये भीख नहीं चाहिए हमें, ठीक है।
हमें रोजगार चाहिए सच्चा रोजगार। इतना कौन सा रोजगार नहीं दे रही है कम, ये बताए इससे ज्यादा किसी ने ना दिया आज तक। कहीं भी जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ पैसे देने, पैसे दोगे अपना काम कराओगे। तीन काम अच्छे गिनवा दीजिए वो जगह दे। पूरा रोड का काम, रोड का काम तो बांध रहे। अच्छा अच्छा कौन सा काम है मुझे ये बताइए। बिजली का काम, बिजली का काम, बिजली आती है 24 घंटे बिजली आती है 18 घंटे बदले नहीं जाते थे। अरे बिल आता है कितना आता है वो भी इसके हिसाब से सही आता है, किसी का ज्यादा नहीं आता है अगर ईमानदारी से। यहाँ का कायाकल्प हुआ कि नहीं, यहाँ का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है और सारा कायाकल्प ये कर देगा ऑन रोड जो वो बन रहा है। कौन सा? ये एयरपोर्ट हमारा सारा कायाकल्प, पूरा कायाकल्प हो जाएगा। जितने भी है ना यहाँ पे ये जितने भी वो हुए बेकार की बातें हैं। ये धरना देना वो करना तो बेकार है, जो जिस पे वो पड़ता है तभी धरना दे देते, गलत बात है। गलत कर रहे थे, बिल्कुल गलत था ये। और जितना भी वो हुआ ना ये किसान के हित का था, बगैर उसके कोई वो काम नहीं किया। जवाब क्या था हित में इनसे पूछ लीजिए, क्या थे उस बिल में, क्या इनके नाम क्या थे इनसे पूछ तो लीजिएगा, क्या हित में था। किसान को बांध के डाल दिया गया था। और मैं बात करूं कि रोड की और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सरकार विकास नहीं कर रही, सरकार का विकास हम कर रहे हैं। टैक्स देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से टैक्स देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप इनकम टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज पर टैक्स है। तो उससे ये देश टैक्स से चलता है, हमारे पैसे से चलता है। जिस तरह से इन्होंने पूरे देश को लूट के रख दिया है। अब ये बात करते हैं जैसा की संपत्ति 16 गुना कैसे बढ़ गई, जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना दिया गया। ये बात करते परिवारवाद की, तो परिवारवाद इनसे ज्यादा है किस में। जैसा की संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, क्या था। जो ये बात करते हैं कि हम जो गलत काम करेगा, बुलडोजर तैयार खड़ा है उनके घरों को तोड़ने के लिए, क्या ये जो परीक्षा कैंसिल हुई है वो किसकी प्रेस में पेपर छपा था। अलीगढ़ से मौजूद हैं, कुछ दिन पहले खबरें चल रही थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाएगा, क्या मन में चल रहा है, क्या हो जाएगा उसे। हरिगढ़ भी रख दे तो क्या हो जाएगा, मेरा भला हो रहा है क्या उसे। मेरा भला हो रहा हो तो बताइएगा, किसान का भला हो रहा हो तो बताइए, मजदूर का भला हो रहा हो तो बताइए, किसका भला हो रहा है। भर्तियां कहाँ हैं, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था कहाँ हैं। हर चीज का निजीकरण, हर चीज का बैंकों का बैंक प्राइवेटलाइजेशन करे जा रहे हैं, सभी प्राइवेट हाथों में सौंप दे रहे हैं, दुकान लगा दें कि आप करिएगा। ठीक है क्या नाम है चाचा। मेरा नाम मेघश्याम शर्मा। शर्मा जी एक बात बताइए, क्या चल रहा है इस बार। इस बार जो कार्यक्रम तो अच्छा ही चल रहा है वैसे, पर मेरा विचार ये है कि ये आर्थिक आधार लेकर के तब काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैसा मतलब समझ में नहीं। जैसे कि अब जिन लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है कि जिनके ज़रूरत नहीं है उनको भी राशन कार्ड बन जा रहा है, आपका गरीबी रेखा के नीचे से कार्ड बन जा रहा है, और किसी को जिसको ज़रूरत है उसको मिल ही नहीं रहा। तो ये धांधली बात, सबको राशन मिल रहा है। हाँ सबको राशन मिल रहा है, पर किसी को जैसे मुफ्त राशन। अभी इस बार का क्या मुद्दा होगा चुनाव में ये बताइए मुझे, क्या सोच करके जाएंगे वोट देने के लिए, क्या देखा आपने सरकार में। बेरोजगारी के लिए ही मैं जानना चाहूँ, बेरोजगारी कैसे। रोजगार मिला है लोगों को। हाँ, मिला है, रोजगार मिला है। हाँ कुछ मिला है, पर परसेंटेज कम है, अभी उतना नहीं है जितना चाहिए। मायावती जी की सरकार कैसी लगी आपको। बिल्कुल रद्द, एकदम रद्दी। अखिलेश यादव उनसे भी बढ़िया, उनसे भी बेकार। अच्छा हाँ, हमें दोनों सरकार बेकार हैं। हाँ मोदी जी की सरकार काफी हद तक संतोषजनक रही, काफी हद तक संतोषजनक है। इस बार क्या माहौल है। इस बार हमारी अपनी जो प्रेरणा यही है कि हम मोदी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। योगी जी को, योगी, हाँ उत्तर प्रदेश योगी मोदी को ही हमें। चलिए हाँ क्या कह रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाए, क्या करें योगी जी का टक्कर में। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आ पाएगा, किसी तरह से नहीं आएगा। 300+ होगी। मिल रहा है कि लोगों को जगह नहीं मिल रही है अखिलेश यादव की रैली में। कौन कह रहा है ये बेकार की बात है, सब दलाल जाते हैं उनकी वहाँ में, और जितनी गुंडागर्दी उसके वहाँ में ना किसी में ना हुई ना होगी। जितने हो जाए इन्हें छोड़ के सभी एकजुट हो जाए तब भी नहीं हरा पाएंगे। अच्छा, तब भी नहीं हरा पाएंगे। भैया थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है। खैरुद्दीन, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में। देखो जी सपा की और भाजपा की टक्कर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। टक्कर है ना, दोनों की टक्कर है। तो क्या लग रहा, पड़ला किसका भारी होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, दोनों में मोदी ही जीतेगा। मैं तो किसी के भी, दोनों की टक्कर है, कोई भी हो सकता है। नहीं अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि दोनों में से सरकार किसकी अच्छी रही तो आपको क्या। नहीं मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, दोनों की कोई भी आ सकता है,
देखो ये तो यहाँ पे तो थोड़े बहुत हैं, सभी सारी समाज हैं, पूरा प्रदेश पड़ा है, कहाँ किसका रस ज्यादा है, कैसे हिंदू कार्ड चलेगा कि नहीं? नहीं, हिंदू मुस्लिम फैक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा क्या? हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हमारे यहाँ सब एक मिल के रहते हैं, सभी कोई भी कैसा भी वो भेदभाव नहीं है, भेदभाव करते हैं तो यही करते हैं, और कोई भी आए अखिलेश की आए तब भी रैली में जाते हैं, और मोदी जी आए तो उसकी भी रैली में जाते हैं, या कोई भी जाए सबकी सब रैली अटेंड करते हैं, कोई वो भेदभाव नहीं। काशी कॉरिडोर का जो है वहाँ पे वो लोकार्पण होने जा रहा है, इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा भाई साहब? हर जगह से मिलेगा, जहाँ मोदी जी और योगी जी पहुँच जाते हैं उससे बढ़िया हर आदमी ये कह देता है, इनकी दिलो आत्मा जो है सभी की, लोग यहाँ जितने भी 80% पूछ लीजिए, अगर न हो ये लोग अगर उसमें जा रहे हों सपा के वहाँ में एक भी तो हमें बता दीजिए, ये सिर्फ पार्टी वाली है, जो मैं उस पार्टी में हूँ तो मैं उसकी वो करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है एक तरफा मैं किसी से वो नहीं है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, किसी का वो नहीं हूँ, मैं तो भाई सभा क्या जी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और भी लोग हैं। हाँ चाचा, एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर चाचा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं सवाल ये जानकारी लूं आपसे कि अगर अखिलेश यादव, मायावती जी और योगी आदित्यनाथ जी तीनों में से सबसे बेस्ट सरकार अगर माना जाए तो आप किसको चुनेंगे? मैं तो भैया अखिलेश से चुनूंगा। कौन से काम अच्छे लगे अखिलेश यादव के? और माँ सभी काम अच्छे हैं, यहाँ पता ही पड़ जाएगी कि बीजेपी को जीते हो कि सपा को जीते हो, यही आज के दिन याद रखो बस है। चुनाव है जब आगे बाद आई इनते सब मिल रही हूँ गांवों में, कह रहे हैं कि कहने की दम नहीं है क्योंकि दो चार पार्टियों को जो है, चलिए ठीक है, पहले हमारी बात सुनो, दम को पहलवानी ना है रही भाई, या दंगल ना जुड़ रो के पहलवान तो पहलवान मायर हो जाए, ये तो मांस की जीवे लपालप है, अब इन्हें काव इन्हें न्यू ना पता दिन कितु लिख रहे हो, ये इनके ये गांव हरजीगढ़ी थे पूरी वो बीजेपी सरकार पार रह जाएगी। एक मिनट सुनिए, व्यक्तिगत के हरजीगढ़ी है ये सबरी जो बालक है, हमारी बालक है, छोटे भाई हैं, हम गैर ना आएंगे और न अब मोदी जी एक वोट से ना बने, ना विधायक बने ना प्रधानमंत्री बने, ये बनेगो कुमार साहब पूरे क्षेत्र थे, खैर की विधानसभा क्षेत्र जब खुलेगी और जब इनको ही गांव खुलेगो तब पतो पड़ेगी, आप जब आ जाना जब वोट खुल जाए, और मेरा नाम वीरेंद्र है पूछ लेना। अच्छा एक सवाल ये भी है कि पहले जब लहर थी योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे जो लहर थी, क्या अब वो लहर है कि नहीं? कुछ ना मतलब ही ना है, अगर किसान की बात मानी जाती पहले शुरू में ही तो वास्तविकता लहर थी। तो सवाल तो वही है ना कि पहले किसान नाराज थे, अब मान गए हैं सरकार से, घर भी चले गए हैं। देखो मेरी बात सुनो, आप ही पत्रकार, अरे भाई बात सुनो अरे बात सुनो, आप ही पत्रकार जानी, आप तो बात में तो बात लिखा रहे हो और लिखानी भी चाहिए बात, आप तो सच्चाई पूछनी चाह रहे हो, अगर किसान पहले शुरू में ये मान जाए, आज तक जो भी सरकार आई, मायावती आई, मायावती तो कछु ना मानोगे तो एक वाकई एक प्रांत की है भाई, रही कांग्रेस आई, कांग्रेस के सामने जब भी किसान गया तभी मैदान छोड़ के भाग गए, किसान की बात मानी गई, कोई भी सरकार लोक दल आया तो चलिए, तो पल्ला किसका भारी होगा? पल्ला हमारे यहाँ तो लोक दल और वाकस सपा मानते हैं सर, आप क्या मानते हैं? गाँव में जाकर देखिएगा तो पता चलेगा, ये कस्बे के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, गाँव में भी जाएंगे अभी। हाँ तो वहाँ पर आप देखेंगे कि माहौल क्या है, इस बार तो परिवर्तन होना ही होना है यार। आप क्या मानते हैं सर? 50% सर दोनों का टक्कर रहेगा, सपा और भाजपा, और अंत में क्या होगा? सपा। आपका क्या मानना? हमारा गांव गढ़ी सूरजमल गांव है, जिसमें 1800 वोटिंग है, 1400 वोट बीजेपी को डलेंगे, 400 वोट अदर जाएंगे बस, केवल इतनी वोटिंग है हमारे गांव में। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है? हाँ जी इतना कॉन्फिडेंस है, 1400 वोट हमारे गांव से बीजेपी के, 400 वोट अन्य के, ये ठेकेदार हैं वोट के, ठेकेदार नहीं है हमारा मन मान, हमें ठेकेदार तो यूँ नहीं हो सकते हैं कि हमें कोई पार्टी से वो नहीं है, हम ईमानदारी के साथ हैं, हमें किसी से वो नहीं है, कोई वो नहीं है हमें, हम तो ईमानदार। भाजपा की अभी तो भाजपा की कह रहे ये अब सब पार्टी से कोई नहीं है, ईमानदारी के साथ है, लेकिन मैं लोकदल और सपा के साथ हूँ। चलिए आप बता, हमारे गांव में 2000 वोटों की पोलिंग है, हमारे गांव में 1500 वोट मोदी और योगी की जाएंगी। सिमरोटी गांव, सिमरोटी गांव। चलिए तो ये सिमरोटी गांव में के जाट है, एक मिनट इन पे वो जाट तो जीते हो तो प्रधानी में ही ना आए,
मोदी वो आ गया तो 1800 वोट के जब देंगे, हम लोग के 1500 से कहा देंगे कि 500 दे दें तो मेरा नाम बदल देना। तो ये रही टप्पल की जनता की मिलीजुली राय, और वही जानकारी ले रहे थे कि जिस तरीके से लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को वाकई में उत्तम प्रदेश बनाने की जो तैयारी चल रही है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार सक्सेस हो पाएगी, और जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का जो है लोकार्पण किया जा रहा है उसका क्या हकीकत जो है जमीनी पे जो है बेनिफिट मिलेगा या नहीं, उसी के लिए जो हम जनता के बीच मौजूद थे। तो मिलीजुली भगत, आपने मिलीजुली जो राय है आपने देखी और उसको देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल चल क्या रहा है। फिलहाल के इतना ही, जुड़े रहे हमारे साथ, एक रेडियो न्यूज़। धन्यवाद।